हेलो मेरे प्यार बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, कल से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम से पहले कुछ ऐसी बातें हैं बच्चों जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं, और ये बातें आपको अपने दिमाग में रखना है। चलिए क्या क्या है हमें ध्यान में रखना है देख लेते हैं। ये दिशा निर्देश है बच्चों, बेहद जरूरी है आपके लिए। क्या करना है, सबसे पहला कि आज कल एग्जाम है और आज आपको व्यवस्थित होना है, किस तरह से वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पेन में हम सजेस्ट करेंगे कम से कम मिनिमम बच्चों 3 काली पेन होनी चाहिए, 3 नीली पेन। ये बात ध्यान में रखना और उसको एक बार थोड़ा अच्छे से चला लीजिए ताकि वहां पर कलम फंसे ना और आपकी लिखावट भी अच्छी तरह से दिखे, ठीक है ना। तो ये पेन हो गया बच्चों, स्केल यानी पटरी हो गया। अन्य जरूरी जो जरूरत की जो वस्तुएं हैं बच्चों वो क्या करिए, इकट्ठा कर लीजिए, ड्रम बॉक्स वगैरह में रख लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए। अन्य जरूरी वस्तुओं में जैसे आप कोई अगर दवा वगैरह लेते हैं, आपकी हेल्थ खराब होती है तो आप अपनी जो दवा है साथ में रखिए, ठीक है ना। उसके लिए कोई मना ही नहीं है, वहां पर कोई मना नहीं करेगा, आप उसको साथ रख सकते हैं। मास्क वगैरह का ध्यान दीजिए, आपको लगाकर जाना है, ये बेहद जरूरी है। दूसरी बात क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मतलब जो भी आप क्या है इलेक्ट्रिकल वॉच, कैलकुलेटर वगैरह ये चीज नहीं ले जा सकते हैं। अगर लेकर जाएंगे तो रसगुल्लों समझ लीजिए कुटाई होगी जम के पहले ही दिन। इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, संचार उपकरण बोले तो मोबाइल फोन्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको साथ नहीं ले जाना है, ध्यान में रखना। अगला है बच्चों परीक्षा सेंटर पर कम से कम क्या करना है, आपको आधे घंटे पहुंचने का प्रयास करना है। कम से कम बच्चों आधे घंटे पहले वहां पर पहुंच जाइए, जिनके दूर हैं वो आधे घंटे से पहले, मैक्सिमम आप 1 घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करिए वहां पर, जिनके एग्जाम सेंटर थोड़ा दूर हैं। क्योंकि भाई खुदा न खास्ता रास्ते में आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, मान लीजिए आपके वाहन ही खराब हो गया या कोई अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो इसलिए बच्चों आप एग्जाम सेंटर में क्या करिए, कम से कम आधे घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करिए, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान देना, एकदम टाइम पर पहुंचेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, प्रेशर रहेगा, हड़बड़ाहट में सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। उसके अलावा क्या ध्यान में रखना है कि परीक्षा सेंटर पर किसी से भी कोई पेपर या फिर नकल नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं कि यार मुझे तो पेपर ही मिल गया है, चलिए इसको ले लो, काम बन जाएगा, पता चले कोई आया ही नहीं, और उसके बाद अगर पकड़े गए तो कुटाई जम के अलग से होगी और आपको पेपर में बैठने, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, भाई बाहर आपको फटकार के मारेंगे, भागो यहां से। तो इसलिए बच्चों कोई भी कितना भी आपका परम मित्र है उससे कोई भी ये चूरन वगैरह नहीं लेना, यानी चिट पुरजी नकल के चक्कर में नहीं पड़ना है, ध्यान में रखना यह चीज, ठीक है ना, नहीं जम के समझ लीजिए मार पड़ेगी। अगला है बच्चों कि परीक्षा सेंटर में सबसे पहले 15 मिनट अच्छे से पेपर पढ़ना है, ये बच्चों आपको जरूर फॉलो करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको तरीका नहीं पता होता है, नॉलेज सब चीज रहता है, बस पेपर नहीं पढ़ते, बस छापने बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि मैं बहुत धुरंधर हूं, वही गलती कर बैठते हैं। नहीं, सबसे पहले आप 15 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, इत्मीनान से कम 10 मिनट तो ढंग से पेपर पढ़ लीजिए। जब एक बार पेपर पढ़ लेंगे बच्चों सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा आपके माइंड से। इसलिए क्या करना है, 15 मिनट अच्छे से पहले पेपर को पढ़ना है, और वो टाइमिंग इसी के लिए दिए जाते हैं, आपके कॉपी लिखने का टाइम वो नहीं कटता है, तो आपका क्या जाता है, 15 मिनट पेपर तो पढ़ना है। अगला है बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि परीक्षा के एक दिन पहले यानी आज के दिन आपको क्या करना है, रात में देर रात तक नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। फालतू के मोबाइल वगैरह नहीं चलाना, कोई रील वगैरह कमरी पतली कमरिया हाई वाई कुछ नहीं देखना है, ढंग से एक बार फिर से तुम क्या करिए बच्चों, एक बार पूरा का पूरा पेपर जो पैटर्न होता है कि पहला क्वेश्चन कैसा होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, एक बार ढंग से बच्चों सिस्टमेटिक ढंग से पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद विदाउट एनी प्रेशर बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से खा पीकर सो जाइए, और उसके बाद जब सुबह उठेंगे ना तो एकदम टेंशन फ्री होगा माइंड। तो ये करना है बच्चों, देर रात तक नहीं पढ़ना है। रसगुल्लों साल भर अगर नहीं पढ़ाई हुई है तो एक दिन में क्या कर लोगे, इसलिए ध्यान में रखना, जितना याद है सब ठीक है, जितना पढ़ा है सब कुछ ठीक है, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है,
एक दिन पहले रात में कम पढ़िए, प्रेशर मत लीजिए, अच्छी तरीके से यानी तनाव मुक्त रहना है, ठीक है ना। देर रात तक नहीं पढ़ना है और क्या करना है, तनाव नहीं लेना है। ये कुछ ऐसी बच्चों आपको निर्देश हैं आपके लिए जो आपके लिए बेहद ही जरूरी हैं, और इन चीज को आप अगर फॉलो करोगे डेफिनेटली आपका दिन अच्छा होगा, एग्जाम अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा। और इस वक्त दुआ करते हैं कि मेरे सारे प्यारे रसगुल्ले अच्छे नंबरों से पास हो, एकदम फोड़ दीजिए। विश यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए और मोनू सर का नाम रोशन करिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।